नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल संजय पटेल में आप सबनो हार्दिक स्वागत छे। मित्रों, आजना वीडियो नी अंदर अपने धोरण 6 विषय छे हिंदी, जेनो पाठ त्रीजो, जेनो नाम छे समझदार नन्ही, के जे सत्र 1 नी अंदर आवे छे। आ पाठना अभ्यास अने स्वाध्यायना समझूती मेळवाना छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे मारी चैनल मां नवा होय तो मारी चैनल ने जरूरथी सब्सक्राइब करो, वीडियो सारो लागे तो लाइक करो, शेर करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, जेथी मारा आगळना तमाम वीडियो पण आपने मळता रहे। तेमज मित्रों, तमाम पाठनी पीडीएफ जोवा माटे प्ले स्टोर में जे अमारी एप्लिकेशन विश्वगुरु संजय पटेल डाउनलोड करी तमारा मोबाइल में इंस्टॉल करो। जे तमे शुरू करशो तो तमने आ प्रकारे जोवा मळशे, जेमां उपलब्ध बधा धोरणनी अंदर धोरण बतावशे, धोरण पसंद करशो एटले विषय बतावशे, विषय पसंद करशो एटले पाठ बतावशे, जेमां वीडियो पर क्लिक करता वीडियो जोई शकशो अने अन्य साहित्य पर क्लिक करता तमने पीडीएफ जोवा मळशे। तो आशा राखुं छुं अमारी एप्लिकेशन आपने गमशे, जरूर डाउनलोड करजो मित्रों। तो चलो मित्रों, हवे शुरू करिए पाठ 3 समझदार नन्ही। सौप्रथम अभ्यासना प्रश्नों जोईए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों बताइए। पहला, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा क्योंकि वह बिच्छू की डंक मारने की आदत छुड़ाना चाहती थी। दूसरा है, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही का उपकार भूलकर उसने उसे डंक मार दिया था। तीसरा, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि वह बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी देना चाहती थी। चौथा है, भलाई करना मेरा स्वभाव है। तो यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात को भूलकर उसने उसकी मदद की थी। पांचवा, मैं वचन देता हूं कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। तो यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही से विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ था। प्रश्न दो, यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोचकर कहिए। तो डंक मारना बिच्छू की आदत है, जिसने उसके साथ भलाई की उसे भी वह डंक मारता है। नन्ही स्वभाव की अच्छी है, वह समझदार और उदार है। उसने बिच्छू की बुरी आदत छुड़ाने का संकल्प किया है। वह बिच्छू के बुरे व्यवहार को भूलकर उसके साथ भलाई करती है। आखिर बिच्छू शर्मिंदा होकर अपनी बुरी आदत छोड़ देता है। बिच्छू की जगह मैं होता तो मैं भी उसके साथ नन्ही की तरह बर्ताव करता। बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए यह सब सबसे उत्तम मार्ग है। विद्यार्थी मित्रों, अभ्यासना प्रश्नों पूरा थाय छे। हवे जोईए स्वाध्यायना प्रश्नों, जेमां पहेलो प्रश्न छे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, नन्ही कौन थी। तो नन्ही एक बतख थी। दूसरा, बिच्छू कहां फंस गया था। तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। तीसरा प्रश्न, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ। तो बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि दो बार जीवनदान देने वाली बतख को डंक मारने चला था। चौथा प्रश्न, नन्ही ने क्या निश्चय किया। तो नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। पांचवा प्रश्न, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया। तो बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकालकर बचाया। छठा प्रश्न, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा। उत्तर, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है, उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा। तो नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूं, मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूंगी। प्रश्न दो, घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। तो पहली घटना जो बनती है वह है, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। दूसरी घटना, नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ती आ गई। तीसरी घटना, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। चौथी घटना, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। पांचवी घटना, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। प्रश्न तीन, इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। चलिए देखते हैं। पहला,
नन्ही, नन्ही एक बतक का नाम है। स्थान, मुंबई में देखने लायक कई स्थान है। मुसीबत, मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की। पानी, पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आदत, सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। प्रश्न चार, इकाई में प्रयुक्त मुहावरों में से किन्हीं तीन मुहावरों को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरा है अनसुनी करना ध्यान न देना, वाक्य माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया, आदत आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना, वाक्य वह झूठ बोलना छोड़ नहीं सकता क्योंकि वह आदत का गुलाम है। मन डोलना यानी विचार बदलना, वाक्य डॉक्टर ने मना किया था फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया। चौथा जीवनदान देना यानी मरने से बचा लेना, नया जीवन देना, वाक्य डॉक्टर मरीजों को जीवन दान देता है। पांचवा शर्म से पानी पानी होना यानी बहुत लज्जित होना, वाक्य चोरी पकड़ी जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया। पांचवा निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। तो उदाहरण दिया गया है, पहला देखते हैं। स्थान यानी जगह, वाक्य अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। स्वभाव यानी प्रकृति, वाक्य वह अच्छी प्रकृति का आदमी है। मुसीबत यानी संकट, संकट में धीरज से काम लेना चाहिए। प्रसन्न यानी खुश, वाक्य आज मैं बहुत खुश हूँ। थिरकना यानी नाचना, वाक्य वर्षा के बादल देखकर मोर नाचने लगे। प्रश्न छह, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो शब्दकोश के क्रम इस प्रकार होगा, डंक, नदी, बिच्छू, मुसीबत और सैतानी। प्रश्न सात, निम्नलिखित चित्र को देखकर दो दो वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। तो विद्यार्थी मित्रों चित्र छे ते आपने पाठ्य पुस्तक नी अंदर आपेला छे, कहानी चलो अपने बनाविए। कबूतर और चीटी कहानी का नाम है। एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर एक कबूतर रहता था, पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते देखा। उसने फौरन एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका। चींटी पानी से पत्ते पर आ गई, पत्ता बहते बहते किनारे आया। कबूतर ने नदी से पत्ता बाहर निकाल दिया, चींटी की जान बच गई, उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। शिकारी ने उसे देखा और उसकी तरफ बंदूक का निशाना साधा। चींटी ने यह देखा, उसने फौरन जाकर शिकारी के पांव में काटा। शिकारी दर्द से चिल्लाया, उसकी आवाज सुनकर कबूतर उड़ गया। चींटी ने कबूतर की जान बचाई, कबूतर ने उसका आभार माना। उसके बाद प्रश्न आठ, निम्नलिखित चित्र को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। तो चित्र हमें पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ होगा। इस चित्र में दो कारों और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई गई है। पास ही सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ी है। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा। कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा। पुलिस भी तुरंत आ गई होगी, उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की होगी। प्रश्न नौ, निम्नलिखित वाक्यों में से उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर जो वाक्य है हमने फिर से लिखे है, देखते हैं। पहला वाक्य, बिच्छू बोला नन्ही बहन आज तुम जीत गई। दूसरा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। तीसरा, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। चौथा, भलाई करना मेरा स्वभाव है। पांचवा, बहन मुझे बचा लो। प्रश्न 10, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। परिच्छेद यहाँ पर दिया गया है, चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला, असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा। तो असुरों के बारे में इंद्र ने कहा कि हम वृत्रासुर से भयभीत है। असुर बलवान तो है ही, संख्या व चतुराई में भी वह हमसे अधिक है। उनके पास हमसे चार गुने शस्त्र है। दूसरा प्रश्न, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए। तो देवता वृत्रासुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ग्यारहवा प्रश्न, नीचे दिए गए हुए वर्ण से पांच पांच शब्द बनाइए। तो भ से भवन, भलाई, भगत, भगवान और भजन। व से वजन, वानर, वेश, विद्या और विकास। र से रस, रण, राग, रीति और रोटी। न से नगर, नाग, नयन, नीर और नियम। ग से गणेश, गरुड़, गीत, गमला और गाय। तो विद्यार्थी मित्रों अही अपनू पाठ त्रण समझदार नन्ही ना अभ्यास ने स्वाध्याय प्रश्नों जवाबों पूरा थाय छे। आगलना पाठना प्रश्नों जवाबों मेळवा मारी चेनल ने जरूर थी सब्सक्राइब करो।
તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો. ફરી મળીશું પાઠ 4 ની અંદર. ત્યાં સુધી આવજો.